हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोबोटिक्स हैकग्राउंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नियो 6M GPS मॉड्यूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं आपके सामने रखा है ये नियो 6M GPS मॉड्यूल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मॉड्यूल को आर्डुइनो के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, इससे हमें क्या क्या डेटा मिल सकता है और हमें अपने आर्डुइनो को कैसे प्रोग्राम करना है ताकि हम इससे डेटा निकाल सकें या अपनी एग्जैक्ट लोकेशन हम इससे पता करवा सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस मॉड्यूल के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं और ये कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि GPS असल में काम कैसे करता है। तो मैं एक पेपर पे आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि हम एक सैटेलाइट ए मान लेते हैं कि यहाँ पे है कहीं, और इसने एक सिग्नल भेजा और मान लो कि हमारे रिसीवर ने वो सिग्नल यहाँ पे पकड़ा, मतलब कि इस टाइम हमारा रिसीवर यहाँ पे हुआ। तो क्या होगा, हमारा जो रिसीवर है वो सैटेलाइट ए से लॉक हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट और हमारे रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है सपोज़ एक्स किलोमीटर है। तो अब दिक्कत ये आती है कि हम इस एक्स किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी हो सकते हैं, अर्थ के ऊपर हम कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सैटेलाइट ए हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकती। तो अब क्या होगा, अब हमारा रिसीवर ढूंढेगा एक और दूसरी सैटेलाइट के सिग्नल के लिए। तो मान लेते हैं सैटेलाइट बी है, वो भी एक सिग्नल दे रही है और हमारे रिसीवर ने इसका सिग्नल पकड़ लिया। तो अब हमारा जो रिसीवर है वो सैटेलाइट ए से तो लॉक्ड है ही, बट वो सैटेलाइट बी के साथ भी लॉक हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये वाई किलोमीटर दूर है। तो अब दिक्कत ये है कि हम वाई किलोमीटर में भी कहीं पे भी हो सकते हैं, इस वाई किलोमीटर के रेडियस में भी हम कहीं भी हो सकते हैं। अब जब ये सैटेलाइट ए और बी से लॉक हो गया तो हमारे पास दो कॉमन पॉइंट आ गए, या तो हम यहाँ होंगे या हम यहाँ होंगे या इनके बीच में कहीं होंगे। तो इससे भी अभी हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकलवा सकते। तो अब क्या होगा, अपना जो रिसीवर है वो सैटेलाइट एक तीसरी सैटेलाइट के लिए ढूंढेगा, मतलब कि वो एक तीसरी सैटेलाइट के सिग्नल के लिए सर्च करेगा। तो मान लेते हैं एक सैटेलाइट सी यहाँ पे है, वो भी सिग्नल भेज रही है और हमारे रिसीवर ने सैटेलाइट सी का सिग्नल पकड़ लिया। तो क्या होगा, अब जो हमारा रिसीवर है वो सैटेलाइट सी के साथ भी लॉक हो जाएगा। मान लेते हैं ये जेड किलोमीटर दूर है। तो अब क्या होगा, हम जेड किलोमीटर के रेडियस में भी कहीं भी हो सकते हैं, बट जो तीन सैटेलाइट के एरिया को मिला के जो एक कॉमन पॉइंट मिला वो मिला ये। तो यहाँ से हमारा जो रिसीवर है वो इन तीनों सैटेलाइट से क्या करेगा, सिग्नल आने में कितना टाइम लगा वो देखेगा और उसके हिसाब से ये सैटेलाइट ए बी और सी से अपना डिस्टेंस नाप लेगा। तो उससे क्या होगा, हमें ये रिसीवर हमारी एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा। तो ये तो था कि सैटेलाइट के साथ हम कैसे मतलब अपना डेटा निकालते हैं। तो अब बात करते हैं कि सिग्नल्स किस टाइप के सिग्नल्स आते हैं सैटेलाइट से। तो जो GPS सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के अराउंड 2 times a day अर्थ को ऑर्बिट करती है। तो और ये हर टाइम दो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भेजती रहती हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब जैसे वो बादलों से पार हो जाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से पार हो जाएगा। बट दिक्कत आती है, जैसे हमारे घरों की दीवारों को वो पार नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हमारे रिसीवर को सैटेलाइट का सिग्नल पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इतना एडवांस हो चुका है तो ये रिसीवर इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये घर के अंदर से भी सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, बट उसमें दिक्कत ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये दो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं और जो सैटेलाइट होती है वो इन सिग्नल्स की फॉर्म में तीन मेन डेटा भेजती हैं। तो पहला मतलब डेटा भेजती हैं वो होता है कुछ कोड्स की फॉर्म में। तो पहला जो कोड होता है वो होता है सूडो रैंडम कोड।
तो इस कोड में क्या होता है, जो हमारी सैटेलाइट है, इस कोड में उस सैटेलाइट की आईडी होती है, और इससे हमारे रिसीवर को पता चलता है कि उस हमारे रिसीवर को कौन सी सैटेलाइट से सिग्नल मिला। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जानना चाहें कि हमें कौन सी सैटेलाइट से सिग्नल आया, तो वो ये रिसीवर भी हमें बता सकता है। फिर दूसरा कोड होता है एफिमेरिस कोड, EPHEMERIS। इस कोड में क्या होता है, जो सैटेलाइट है उसके उस सैटेलाइट की घड़ी में क्या टाइम हो रहा है और क्या डेट है, इससे हमें वो डेटा मिलता है। तो ये दो चीज़ें मिल गई। अब तीसरा कोड होता है एल्मनैक कोड। इस कोड से हमारे रिसीवर को ये पता चलता है कि दिन के किसी भी टाइम पे उसके आसपास कौन सी सैटेलाइट्स मौजूद हो सकती हैं, ताकि ये उन सैटेलाइट से सिग्नल लेने की कोशिश करें। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, ये कोड बताता है कि सपोज जैसे अगर हम 12 बजे सर्च कर रहे हैं, तो 12 बजे अर्थ के आसपास कौन सी सैटेलाइट्स हैं जो सिग्नल दे रही हो सकती हैं। तो ये तीन कोड होते हैं जो इन लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स की फॉर्म में रिसीवर के पास आते हैं, और ये रिसीवर उनको, ये एंटीना है, ये उन सिग्नल्स को कैच करता है, और फिर जो हमारा कोड है वो उस डेटा को प्रोसेस करके हमें जो भी मतलब जैसे हमारी लोकेशन होती है वो देता है। तो ये तो हो गया पूरा GPS समझने की बात। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सर्किट डायग्राम पे कि इस मॉड्यूल को हमें कैसे लगाना है अपने आर्डिनो के साथ। बट उससे पहले हम एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इस मॉड्यूल पे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं जूम कर लेता हूँ इस पे। तो सबसे पहले तो आप ये दो चीज़ें देख सकते हैं। तो ये जो बड़ी सी एक चीज़ है, ये पूरी, ये एक एंटीना है, सिरेमिक एंटीना। ये इस नियो 6M GPS IC के लिए काम करता है सिग्नल्स कैच करने का। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कनेक्शन पिन्स, VCC जो कि 5 वोल्ट होती है, और ये RX है, ये TX है जो सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं आर्डुइनो पे, और ये है ग्राउंड। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि VCC में आप 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं। ये जो IC है ये है 3.3 वोल्ट्स का। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप आर्डुइनो के 3.3 वोल्ट वाली पिन ही यूज़ करें ज़्यादातर। बट अगर इनके इस गलती से आप लगा भी देते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बोर्ड पे इनबिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है, ये रहा, ये 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट पे रेगुलेट कर देगा ताकि ये IC डैमेज ना हो। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बटन सेल, ये आप देख सकते हैं, एक बटन सेल है। ये बटन सेल एक सुपर कैपेसिटर की तरह भी काम करता है, और जैसे हम ये रिसीवर को ये मॉड्यूल को पावर देते हैं तो ये बटन सेल रिचार्ज हो जाता है। ये मतलब रिचार्जेबल बटन सेल है। फिर यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट है, ये आपको एक EEPROM है जिसका साइज़ 4KB का है। तो ये क्या करता है, ये जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने पावर डिस्कनेक्ट कर दी, तो जो भी डेटा इस IC पर था या जो भी रिसीवर से आया सैटेलाइट से डेटा आया, ये उसको 2 हफ्ते तक अपने पास रख सकता है, ताकि अगले जैसे कि अब दूसरा पावर, जब दूसरी बार हम इसको स्टार्ट करें तो ये सैटेलाइट से लॉक होने में कम टाइम लगाए। तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक LED। ये LED एक इंडिकेशन होती है, जब आप इसको पावर अप करेंगे मॉड्यूल को, तो अगर आप घर के अंदर हैं, जैसे आपने घर के अंदर इसको पावर अप किया, तो ये मॉड्यूल आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक ये LED ब्लिंक नहीं करेगी। क्योंकि LED ब्लिंक ना करने का मतलब क्या होता है कि अभी तक इसने किसी सैटेलाइट पे लॉक नहीं किया है, और ये अभी तक सैटेलाइट के लिए ढूंढ रहा है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि मॉड्यूल ख़राब है आपका, मॉड्यूल बिल्कुल सही है। बस दिक्कत ये है कि घर के अंदर थोड़ा टाइम लगता है सिग्नल्स को पकड़ने में, बट अगर आप जैसे बालकनी में या बाहर खुले में जाके सिग्नल ढूंढने का ट्राई करेंगे इस मॉड्यूल को ले जाके,
तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर सैटेलाइट लॉक कर देगा और ये LED 1 सेकेंड हर 1 सेकेंड में ब्लिंक करेगी। तो उसका मतलब है कि आपका रिसीवर लॉक हो चुका है और आपको सैटेलाइट से डेटा आ रहा है। तो बस यही था, बोर्ड के पीछे कुछ नहीं है। तो ये था पूरा बोर्ड के ऊपर का सर्किट वगैरह जो भी था। और अब मैं आपको लेके चलूँगा कि आप इसको कैसे आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा कि सर्किट डायग्राम वगैरह पूरा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान क्या क्या चाहिए। एक तो ये रिसीवर चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 4 मेल टू फीमेल जंपर वायर, एक आर्डुइनो, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। मैं यहाँ पे आर्डुइनो मेगा यूज़ कर रहा हूँ। और एक आर्डुइनो का केबल चाहिए जो आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कोड और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, मतलब क्या डेटा हमें मिलता है और कितना एक्यूरेट है ये रिसीवर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्किट डायग्राम है आपके सामने। तो मैं इस पर पहले जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना GPS मॉड्यूल है, ये उसकी जो 4 पिन्स मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में वो है। ये अपना आर्डुइनो मेगा है। तो अब कनेक्शन कैसे होंगे, तो जो कॉर्नर की 2 पिन्स थी तो उसमें से एक थी VCC और एक थी ग्राउंड। तो वो मैंने VCC को लिया है सीधा 3.3 वोल्ट पे, आप 5 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं। और जो ग्राउंड की है वो ग्राउंड में चली गई, ग्राउंड वाली पिन पे गई। और जो यहाँ पे TX था, ये TX वाली वायर गई, वो गई RX में। मतलब जो ये पिन 12 है इसको मैंने कोड के अंदर डिफाइन किया है एज RX पिन। और जो यहाँ पे RX की पिन थी, ये RX की पिन देखो मैंने यहाँ लेबल कर रखी है RX और TX की, RX वाली गई TX में। तो जो Arduino Mega की पिन 12 है वो मैंने एज RX डिफाइन करी है। और जो पिन 11 है ये डिजिटल पिन है, और जो पिन 11 है उसको मैंने एज TX डिफाइन किया है। तो कनेक्शन यहाँ पे हुआ क्रॉस कनेक्शन, मतलब मॉड्यूल का जो TX था वो गया Arduino के RX में और जो मॉड्यूल का RX था वो गया Arduino के TX में। पर मैं यहाँ पे आपको 2 कोड के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे काम होगा। तो एक में तो क्रॉस कनेक्शन होगा और एक में क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। तो वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है। तो ये था अपना बेसिक सर्किट डायग्राम। तो चलिए अब कोड देख लेते हैं कि कोड में क्या है। कोड कोई ऐसा मुश्किल कोड नहीं है, बहुत ईजी कोड है। तो एक तो ये कोड है जो हम यूज़ करेंगे और एक बहुत ही आसान सा कोड है, उसको हम कोड भी नहीं कह सकते। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे काम होगा। यहाँ पे पहले मैं पिन्स को चेंज कर लेता हूँ। पिन 12 को मैंने एज RX कर दिया और पिन 11 को मैंने TX कर दिया। बॉड रेट कर दिया 9600, आप 4800 भी यूज़ कर सकते हैं बट 9600 मेरे लिए मैं प्रेफर करता हूँ। तो कोड के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं tinygps++.h एक लाइब्रेरी है जो मैंने इंक्लूड करी है। ये पहले से Arduino IDE में नहीं आती, तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी। आप गूगल पे जाएं और टाइप करें tinygps++ लाइब्रेरी, तो सबसे पहला लिंक आएगा माइकल हार्ट tinygps+। इसको ओपन करेंगे तो आपको एक GitHub का लिंक मिलेगा। यहाँ पर आप कोड पर क्लिक करें और डाउनलोड zip पे क्लिक करेंगे तो एक zip फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस zip फाइल को अनजिप कर लेना है और उस zip फाइल के अंदर से आपको मिलेगा एक फोल्डर बनेगा उसको अनजिप करने के बाद। उस फोल्डर को आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाएं अपने कंप्यूटर में, डॉक्यूमेंट्स में जाएं, वहाँ पे एक Arduino नाम का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करें, लाइब्रेरीज पर जाएं और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर रखी है लाइब्रेरी। तो इसके अंदर हमारे प्री डिफाइंड एग्जांपल्स वगैरह सब दिए हुए हैं, तो हम उन्हीं का यूज़ करके आज इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ से आपकी वो लाइब्रेरी आपके Arduino IDE में इंक्लूड हो जाएगी। फिर एक लाइब्रेरी है सॉफ्टवेयर serial.h,
ये पहले से ही आर्डिनो के अंदर आती है, तो इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि आर एक्स पिन और टी एक्स पिन डिफाइन करी। यहाँ पे मैंने जो जी पी एस मॉड्यूल है उसका बॉड रेट सेट किया, तो यहाँ पे आप अपनी पसंद से कोई भी बॉड रेट ले सकते हैं, और मतलब 4800 से लेके ये जाता है 115200 तक, ऐसे कुछ जाता है ये। तो 9600 पे आप ट्राई कर सकते हैं, चल जाएगा आराम से। फिर हमने जो टाइमी जी पी एस प्लस एक क्लास कह सकते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जी पी एस नाम का। फिर हमने जो सॉफ्टवेयर सीरियल ये हमने लाइब्रेरी यूज़ करी थी, इसका यूज़ करके हमने आर एक्स एंड टी एक्स पिन को इनिशियलाइज किया। फिर हमने ये सीरियल मॉनिटर सीरियल डॉट बिगिन 115200 पे इनिशियलाइज किया, जी पी एस को इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे एक स्टार्टिंग मैसेज है जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ये तब होगा जब ये जब आप अपना सीरियल मॉनिटर खोलेंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही आप अपना सब सर्किट पावर अप करेंगे तो जो जीपीएस मॉड्यूल है वो टाइम लगाएगा एक सैटेलाइट ढूंढने में। तो अब यहाँ पे एक कोड है कि अगर जीपीएस से डेटा अवेलेबल हुआ तो ये उसको एनकोड कर देगा, ठीक है। तो ये जीपीएस के डेटा के लिए सर्च कर रहा है, बट अगर जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि 5 से 7 मिनट अगर आप घर के अंदर ट्राई कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट तो कम से कम लगेगा ही लगेगा जीपीएस से मतलब सैटेलाइट से डेटा आने में, क्योंकि टाइम लगता है सैटेलाइट पे लॉग होने में इंडोर्स में। तो अगर 5 सेकेंड तक कोई डेटा रिसीव नहीं हुआ तो एक मैसेज आएगा कि नो जीपीएस डिटेक्टिंग चेक वायरिंग, ये उस कोड का पार्ट है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने जीपीएस मॉड्यूल को चालू रहने दें थोड़ी देर तक, वो अपने आप सैटेलाइट पे लॉक हो जाएगा। फिर जैसे ही वो लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे अब मेन पार्ट चालू होता है कि यहाँ डेटा डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है लोकेशन इज़ वैलिड। अगर एक वैलिड लोकेशन हमें जी सैटेलाइट से मिलती है तो क्या होगा, ये उस लोकेशन का लैटिट्यूड 6 डेसिमल प्लेस तक और उस लोकेशन का लॉन्गिट्यूड 6 डेसिमल प्लेस तक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रिंट होगा ये। बट अगर वो डेटा वैलिड नहीं हुआ तो ये एक इनवैलिड प्रिंट कर देगा दोनों में, लैटिट्यूड में भी और लॉन्गिट्यूड में भी। फिर आगे क्या आपको देगा, डेट एंड टाइम देगा। तो अगर वैलिड डेट एंड टाइम मिली तो डेट मंथ देगा, फिर मंथ मतलब फॉर्मेट होगा MMDDYY, तो मंथ पहले फिर डे फिर ईयर। बट अगर डेट एंड डेट भी इनवैलिड हुआ तो एक इनवैलिड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। फिर ये आपको देगा टाइम, तो ये टाइम हो सकता है कि आपकी जो सैटेलाइट पे टाइम हुआ हो ये वो वाला टाइम हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे पहले अगर वैलिड टाइम आया, फिर से वही बात, अगर जीपीएस वैलिड टाइम आया तो क्या होगा, ये आपका आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स प्रिंट करेगा, और सेंटी सेकेंड जो लास्ट में बहुत तेज से वो नंबर्स चलते रहते हैं ना घड़ी में, वो भी ये प्रिंट करेगा, बट वो यहाँ पे 0-0 दिखाएगा। और अगर वो टाइम भी इनवैलिड हुआ तो इनवैलिड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कोड था, ये आप कैसे लाएंगे कोड को वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है फाइल्स पे, एग्जाम्पल्स पे जाएं, और सबसे नीचे आपको मिलेगा एक जो आपने हम जीपीएस ये लाइब्रेरी इंक्लूड की थी अभी, इस पर क्लिक करिए और डिवाइस एग्जांपल्स पे जाएंगे तो आपका ये कोड ओपन हो जाएगा। इसको आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही मिलेगा आपको इस लाइब्रेरी के अंदर। तो ये तो था एक बहुत ही ईजी सा कोड। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोज़ जैसे कोई एक नया बंदा है, उसको कोडिंग नहीं आती या ये कोड उसका काम नहीं कर रहा, तो वो उस कंडीशन में क्या करे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक न्यू फाइल खोल लेनी है, ये न्यू फाइल खुल गई। अब आपको क्या करना है, अपना आर्डिनो कनेक्ट करें और इस कोड को आर्डिनो पे अपलोड कर दें, ठीक है। जब आपने ये अपलोड कर दिया तो जो मैंने आपको कनेक्शंस दिखाए थे जिसमें आर एक्स और टी एक्स वाले कनेक्शन थे, तो उन कनेक्शंस में चेंज हो जाएगा।
जब हम ये वाला कोड यूज कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम अभी दिखाया था ये वाला, तो जब हम वो पूरा कोड लंबा जो अभी मैंने आपको समझाया वो यूज करेंगे, तो उसमें ये वाले कनेक्शन यूज होंगे। बट अगर आप जैसे दूसरा कोड यूज कर रहे हैं ये ब्लैंक वाला, तो इसमें वो वाले कनेक्शन नहीं होंगे, इसमें कनेक्शन और ईजी हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना कि जो मॉड्यूल का आरएक्स है वो आरएक्स जीरो ऑफ आर्डिनो में चला जाएगा, और जो मॉड्यूल का टीएक्स है वो टीएक्स जीरो ऑफ आर्डिनो में चला जाएगा बस। और बाकी सारे कनेक्शन सेम है, ग्राउंड ग्राउंड में वीसीसी 3.3 वोल्ट में जाएगा। वो मैं स्क्रीन पे यहाँ लिख दूंगा कि कनेक्शन कैसे होंगे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम ये वाला कोड अपलोड करते हैं तो हमें किस टाइप का डेटा मिलता है। तो दोस्तों, मैंने अपने आर्डिनो पे ये वाला ब्लैंक कोड अपलोड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डन अपलोडिंग आया है लिखा हुआ। तो एक चीज़ ध्यान रखने की है, जब आप ये वाला कोड अपलोड कर रहे हैं तो अपने जो मॉड्यूल की आरएक्स और टीएक्स पिन है उसको आर्डिनो से कनेक्ट ना करें, क्योंकि जो आरएक्स एंड टीएक्स पिन होती है वो कोड अपलोड करने में यूज़ आती हैं बोर्ड पे। तो उस टाइम इन पिन को कनेक्ट ना करें। जैसे ही ये कोड अपलोड हो जाता है उसके बाद आप अपने मॉड्यूल की आरएक्स टीएक्स पिन को आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आरएक्स और टीएक्स पिन को अपने आर्डिनो के आरएक्स जीरो, मतलब जो मॉड्यूल का आरएक्स है वो आर्डिनो के आरएक्स जीरो में जाएगा, और जो मॉड्यूल का टीएक्स है वो आर्डिनो के टीएक्स जीरो में जाएगा। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपना सीरियल मॉनिटर खोलना है और आपको बॉड रेट सेट कर लेना है 9600 पे। तो आपको ऐसा कुछ अजीब सा उल्टा सीधा सा डेटा देखने को मिलेगा। तो इस डेटा का मतलब है कि आपका जीपीएस मॉड्यूल बिल्कुल सही से काम कर रहा है, बस ये जो बीच में स्पेसेस आ रहे हैं इसका मतलब है कि अभी तक आपका जो मॉड्यूल है वो सैटेलाइट से लॉक नहीं हुआ है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये स्क्रीन खुली रहने देनी है और वेट करना है जब तक ये लाइंस पूरी ना भर जाएं। मतलब इसमें पूरा पूरा डेटा आएगा, ये बीच में जो कॉमा कॉमा आ रहे हैं ये नहीं आएंगे, ये फुल लाइन ऑफ डेटा आती है। तो उसका मतलब होता है कि आपका जो मॉड्यूल है वो जीपीएस सैटेलाइट से लॉक हो चुका है, और आपके जो मॉड्यूल की एलईडी है जो मैंने बताई थी छोटी एक एलईडी है मॉड्यूल पे, वो भी एक एक सेकंड पे ब्लिंक करना चालू कर देगी। अभी जो मेरा मॉड्यूल है उसमें वो एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही और ये रैंडम डेटा आ रहा है उस पे। तो मतलब है कि ये सैटेलाइट के लिए सर्च कर रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है फिर से। और अगेन आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो सैटेलाइट लॉक नहीं होती, या तो अगर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते तो आप बाहर खुले में जाके ट्राई कर सकते हैं, तो जल्दी लॉक हो जाएगा। तो अभी मैं आपको वापस ये डेटा दिखाऊंगा जब ये सैटेलाइट से लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमें जो पहले ब्लैंक सेंटेंसेस मिल रहे थे वो ब्लैंक नहीं है, अब वो फिल हो चुके हैं डेटा से। तो इसका ये मतलब है कि जो मेरा मॉड्यूल है वो एक सैटेलाइट से कनेक्ट हो चुका है और हमें उस सैटेलाइट से अपनी लोकेशन का डेटा मिल रहा है। ये बीच में जो ब्लैंक अभी आ रहे हैं इसकी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं इंडोर हूँ तो सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये अभी सब फिल हो जाएंगे। तो ये हमारे जो जो हमें रॉ डेटा है ये जीपीएस से जो हमें मिल रहा है, तो इस रॉ डेटा का मतलब है कि ये सैटेलाइट से हमें डेटा मिला। तो अब ये डेटा है क्या, ये असल में एक प्रोटोकॉल है जो जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है लोकेशन पता लगाने के लिए। तो इस प्रोटोकॉल का नाम होता है एनएमईए प्रोटोकॉल। मैं यहाँ ऊपर बार में लिख देता हूँ एनएमईए प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल होती है जो जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज करती है, और यहाँ इस डेटा में से जो हमारे काम की चीज है वो है जीपीजीएलएल वाली लाइन। तो हमें कुछ नहीं करना, इस लाइन को कॉपी करना है और गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना है एनएमईए डिकोडर, और इन दोनों लिंक्स में से किसी भी एक में जाके आप ये अपना जो जो लाइन हमने कॉपी करी है इसको आप वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए, और ये आपको डिकोड करके आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता देगा।
मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जो ये हमारा नियो 6M GPS मॉड्यूल है, ये एक टाइम पे 22 डिफरेंट सैटेलाइट्स पे लॉक हो सकता है 50 चैनल्स के थ्रू, और ये इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी हमें प्रोवाइड करता है। एंड ये सिर्फ 45 मिली एम्पियर्स कंज्यूम करता है, तो वो बहुत ही कम करंट होता है। तो ये एक अच्छी बात है इस मॉड्यूल के बारे में, मतलब जिस कॉस्ट पे ये मिल रहा है उसके हिसाब से मतलब ये काफ़ी एक्यूरेट है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा दूसरा कोड था, जो मेन कोड जो हमने टाइनी GPS +++ वाला था, अब मैं इस कोड को अपलोड करूँगा अपने आर्डिनो पे और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ से हमें क्या डेटा मिलता है। तो कोड अपलोड हो चुका है और अब जो कनेक्शंस होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, मतलब कि जो मॉड्यूल का RX है, मतलब मॉड्यूल की जो RX पिन है वो जाएगी पिन नंबर 11 पे, मतलब मॉड्यूल का RX कनेक्ट होगा आर्डिनो के TX पिन से, जो कि यहाँ पे कोड के हिसाब से है पिन 11, और जो मॉड्यूल का TX पिन है वो जाएगा आर्डिनो के RX पिन पे, जो कि कोड के हिसाब से है डिजिटल पिन 12। तो ये चेंज आपको अपनी वायरिंग में करना है और कुछ नहीं करना, तो वो मैं अभी फटाफट से कर देता हूँ, फिर हम चलते सीरियल मॉनिटर पे। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया है और अब हम देखते हैं सीरियल मॉनिटर उस पर हमें क्या शो होता है। तो बॉड रेट मैं चेंज कर दूंगा 9600। तो अभी देखिए ये इनवैलिड टाइम दिखा रहा था क्योंकि ये इनिशियल स्टेज थी मतलब सीरियल मॉनिटर की, बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक चीज़ और, अगर आपको 3D लोकेशन चाहिए मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल भी चाहिए तो ये वो नहीं प्रोवाइड करेगा, उसके लिए इसको चार या उससे ज़्यादा सैटेलाइट्स के लिए से लॉक होना पड़ेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ हमें 2D लोकेशन दे रहा है जो कि है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये है मेरा लैटिट्यूड, जैसा कि मैंने आपको कोड में बताया था कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 6 डेसिमल प्लेसेस तक करेगा। तो आइए देख लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 डेसिमल प्लेस तक लैटिट्यूड दिया और यहीं 6 डेसिमल प्लेस तक इसने लॉन्गिट्यूड दिया। और ये डेट है आज 7 तारीख 2020, और ये टाइम जो अभी मेरे एरिया में है वो टाइम नहीं है, ये सैटेलाइट का टाइम है मेरे ख्याल से, तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं। अब हम देखते हैं कि ये कितनी प्रिसाइज लोकेशन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कॉपी करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है गूगल मैप्स, और वहाँ पे जाके बस हमें सर्च बार में ये प्लेस कर देना है अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और सर्च। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे घर के एग्जैक्ट सामने है, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे घर के एग्जैक्ट सामने मार्कर इसने पॉइंट किया है। तो ये बहुत ही एक्यूरेट है, मतलब कि अगर मैं अपने फ़ोन पे गूगल मैप चलाता हूँ तो वो यहाँ कहीं पे ये मार्कर दिखाता है, ये रेड मार्कर यहाँ पे कहीं आता है, बट ये मेरे एकदम घर के सामने आया है। तो वो एक बहुत ही एक्यूरेट चीज़ अच्छी, ये मेरे को इस मॉड्यूल के बारे में अच्छी लगी कि एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है इस मॉड्यूल की। तो ये एक छोटी वीडियो थी मॉड्यूल के बारे में, और जो कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं मेरे से अगर, तो वो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा, और जो और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कहीं कनेक्शंस को लेके, तो मैं वो भी मैं हर कोड के साथ दिखा दूंगा यहाँ स्क्रीन पे, कि अगर हम ये वाला कोड कर रहे हैं तो RX और TX से कनेक्शन कहाँ जाएंगे, और जो हम न्यू वाला कोड यूज़ कर रहे हैं ये वाला, इसमें RX TX कैसे कनेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर वीडियोस के लिए और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए।